तो भगवान बुद्ध ने मेत्तानिसंग सूत्र में मैत्री भावना से जो लाभ मिलते हैं उसके बारे में बताया है। हम सभी जो भी साधनाएं करते हैं, चाहे वो आनापान हो, मेत्ता हो, कसीना हो, अशुभ हो या कुछ भी, तो हर मेडिटेशन के एक अपने बेनिफिट्स हैं, एक अपनी उपलब्धियाँ है, प्राप्तियाँ हैं। तो इसी तरह जब हम मेत्ता कर रहे हैं तो कुछ पुराने जो साधक हैं वो इन लाभों के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन जो नए साधक हैं तो उनके लिए भी ये एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन रहेगी कि आप जो मेत्ता भावना कर रहे हैं, जो मैत्री साधना कर रहे हैं, उससे आपको क्या उपलब्धियाँ मिल सकती हैं, आपको क्या लाभ मिल सकते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि मैत्री भावना करने से हर जीव को 11 प्रकार के लाभ मिलते हैं। उसमें से पहला जो लाभ है वो है सुखम सुप्पति। सुखम सुप्पति यानी कि सुख की नींद आती है, चैन की नींद आती है। हम देखते हैं आज के इस भागदौड़ के जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारे टेंशन के कारण इंसान अच्छे से सो नहीं पाते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, विचारों से ग्रस्त रहते हैं, और जब नींद नहीं आती है तो बहुत सारे विकारों को वो निर्माण करते जाता है, स्ट्रेस को निर्माण करते जाता है, और इसी के कारण ध्यान भी नहीं हो पाता अच्छे से, ना वो ठीक से उठ पाता है सुबह, ना रात भर वो ठीक से सो पाता है, ना किसी काम में नींद न होने के कारण ना उसकी सेहत ठीक रहती है, ना किसी काम में उसका मन लगता है। तो जो भी लोग मैत्री साधना करते हैं, मेत्ता ध्यान करते हैं, उनको ये पहला लाभ मिलता है कि मैत्री भावना करने के बाद वो चैन की नींद सोते हैं, अच्छे से सोते हैं, उसे कहते हैं सुखम सुप्पति। ये पहली उपलब्धि है मैत्री भावना की। दूसरा बुद्ध कहते हैं कि सुखम पटिबुच्यति। सुखम पटिबुच्यति यानी कि वो सुख से जगता है, थकावट उसको नहीं लगती है। हम देखते हैं कि जब हम सुबह मेडिटेशन के लिए भी उठते हैं तो बहुत सारा आलस निर्माण होता है ना, तो उस आलस के कारण हम मेडिटेशन नहीं कर पाते, ध्यान नहीं कर पाते, और कोई कोई तो बेड से भी नहीं उठ सकते, उसी समय उनको बहुत थकावट लगती है। हालांकि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठे तो हमें फ्रेश लगना चाहिए, तो वो नहीं लगते हैं, तो उनको बहुत सारे सुबह उठते ही बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो लोग मैत्री भावना करने के बाद सोते हैं, मैत्री करके सोते हैं, तो सुबह भी बहुत फ्रेश उठते हैं, बहुत उनको एनर्जेटिक लगता है, अच्छी ऊर्जा उनको प्राप्त होती है, और अपना दिन भर का काम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं, अपनी साधना को कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये दूसरा लाभ है जो मैत्री भावना करने से हमें प्राप्त होता है, उसे कहते हैं सुखम पटिबुच्यति। जब लोग सोते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि उनको बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। जो भी लोग बहुत सारे दिन भर विचार करते हैं उसके कारण उनके अचेतन मन में वो सेव हो जाते हैं, कभी अकुशल तो कभी कुशल विचार जो है वो हमारे ही मन में सेव हो जाते हैं। तो इसके कारण जब हम सोते हैं तो बहुत बुरे सपने किसी को आते हैं, कोई नींद से घबरा कर उठ जाते हैं तो उसके बाद उनको नींद नहीं आती, तो कोई बहुत डर जाते हैं नींद में। तो जो लोग मैत्री भावना करके सोते हैं उनको कभी भी बुरे सपने नहीं आ सकते, और ना ही जगने के बाद भी, जैसे कि हमारे चित्त में बहुत अकुशल विचारों को विचार निर्माण होते हैं। तो जब अकुशल भाव निर्माण होते हैं तो हम कुछ भी कुशल नहीं कर पाते, हमारा चित्त अकुशल की तरह भागता है, लेकिन मैत्री साधना करने से। मैम हमारी आवाज आ रही है ठीक से? यस ताई,
मैत्री भाव में करने से मन में कभी भी बुरे विचार नहीं आ सकते। हमेशा चित्त जो है वो कुशल विचारों को निर्माण करता है और हमारा मन जो है वो कुशल क्रियाओं की तरफ भागता है। तो ये तीसरा लाभ है कि हमें न पापकं सुपिनं पश्यति, उसे कहते हैं कि हमें बुरे विचार नहीं आते हैं, बुरे सपने नहीं आते हैं। उसे पाली में कहते हैं न पापकं सुपिनं पश्यति। ये तीसरा लाभ है मैत्री भावना करने से। चौथा लाभ है कि मनुष्यानं प्रियो होति, हम जो है सारे मनुष्य जीवों में प्रिय हो जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई लोग कोई कोई लोग जो है वो हमसे हम उन लोगों को प्रिय नहीं लगते हैं, बहुत ही द्वेष भावना से, क्रोध युक्त चित्त से हमारे साथ लोग बिहेव करते हैं, अच्छे से बर्ताव नहीं करते। तो अगर हम चाहते हैं कि हम सारे मनुष्य जीवों में प्रिय हो जाए, जिस तरह से भगवान बुद्ध सारे मनुष्य जीवों में प्रिय हैं, जो भी अरहंत भंतगण होते हैं या फल प्राप्त भंते होते हैं या फिर ध्यान मार्ग पर आरूढ़ जो इंसान होते हैं, वो सारे मनुष्य जीवों में प्रिय होते हैं, कोई भी मनुष्य उनके प्रति मन में बैर नहीं रख सकता। तो ये चौथा लाभ है कि मनुष्यानं प्रियो होती। पांचवा जो लाभ है मित्ता करने से, मैत्री भावना करने से, वो है अमनुष्यानं प्रियं होती। अमनुष्यानं प्रियं होती यानी कि जो भी अदृश्य जीव है, अमनुष्य जीव है, हम उन लोगों में भी प्रिय हो जाते हैं। कभी कभी अमनुष्य लोग है वो मनुष्य जीवों को बहुत प्रकार की तकलीफ उत्पन्न करते हैं, मारा हम पे बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं, हमें अच्छे काम में अच्छे काम के लिए हमें अच्छा हमारा अच्छा काम नहीं हो पाता। कुछ भी काम करने से उनमें बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती है। तो कभी कभी अमनुष्य जीव हमारे जीवन में इस प्रकार की बाधाओं को उत्पन्न करते हैं। अगर हम मैत्री करें तो हम अमनुष्यों में भी प्रिय हो जाते हैं, वो भी हमारे लिए मैत्री रखते हैं, हमें कभी भी वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जैसे कि हमने करणीय मित्त सूत्र में भी देखा है भगवान बुद्ध के काल में, कि जब भगवान बुद्ध ने एक भिक्षु संघ को जंगल में ध्यान के लिए भेजा था, तो जब वो ध्यान करने के लिए गए तो वो जंगल जो है पूरा अमनुष्य से भरा हुआ था, वहाँ अमनुष्य का रहने का ठिकाना था। तो जब ये भंतेगण ध्यान करने लगे तो अमनुष्य जीव उनको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे थे, उनको ध्यान नहीं करने दे रहे थे, उनके चित्त को विचलित कर रहे थे, बहुत सारी आवाज कर रहे थे, ऐसी बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे। तो भिक्षुगण बहुत डर गए कि ये उनके साथ क्या हो रहा है, एक ऐसी मन को विचलित करने वाली आवाज, मन को विचलित करने वाली आकृति और उनके मन में विचलित करने वाले विचार, ये क्यों उत्पन्न हो रहे हैं करके। तो फिर वो भगवान बुद्ध के पास में जाते हैं और कहते हैं कि भगवान, आपने हमें जिस जंगल में ध्यान के लिए भेजा है तो वहाँ हमारा कोई भी कुछ भी ध्यान नहीं हो रहा है, जब भी हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो मन में बहुत सारे बुरे विचार उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सारे आकृतियां हमें दिखती हैं, बहुत सारे आवाज हमें दिखते हैं, जैसे कि कोई हम पे अटैक कर रहा हो, इस तरह से हमारा चित्त जो है वो स्थिर नहीं हो पा रहा है, बहुत विचलित हो जा रहा है। तो तब भगवान बुद्ध उन भिक्षु संघ से कहते हैं कि वहां जाके आप करणीय मित्त सूत्र का पठन कीजिए, जिस तरह से आप करणीय मित्त सूत्र वहां पठन करोगे उसी समय सारे अमनुष्य जीव वहां से दूर हो जाएंगे, उनके चित्त में भी आपके लिए मैत्री उत्पन्न होगी और वो आपके ध्यान में कभी भी बाधाएं उत्पन्न नहीं करेंगे। तो जब भिक्षुगण वहां रिटर्न जाते हैं ध्यान के लिए, तो सबसे पहले सारा संघ जो है वो करणीय मित्त सूत्र चांट करते हैं, मैत्री देते हैं सारे जीवों के लिए। तो वहां जितने भी अमनुष्य जीव होते हैं जो उनके ध्यान में बाधाएं उत्पन्न कर रहे होते हैं, तो वो शांत हो जाते हैं और उनके ध्यान में वो बाधाएं उत्पन्न नहीं करते। उसी तरह से जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमारे चित्त में भी बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं, बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, कभी मारा हम पे अटैक करता है तो कभी अमनुष्य जीव भी हमें तकलीफ देते हैं, हमारे ध्यान में बाधाएं उत्पन्न करते हैं।
तो हम उस चीज को समझ नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम यही कहते हैं, कंप्लेंट रहती है कि हमारा ध्यान नहीं होता है। बहुत बहुत सारे ऐसे साधक होंगे कि जिनको बहुत सारी ध्यान में आवाज आती है, मन को विचलित करने वाली आवाज आती है। तो कभी कभी अमनुष्य जीव भी ऐसे बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो अगर हम मैत्री साधना करें, मैत्री ध्यान करें, तो हम अमनुष्य में प्रिय हो जाते हैं, और वो भी हमारे किसी भी काम में बाधाएं को उत्पन्न नहीं करते। तो ये भी मैत्री भावना करने का एक महत्वपूर्ण लाभ है कि हम अमनुष्य में प्रिय हो जाते हैं। सिक्स जो लाभ है वो है देवतानां रक्षन्ति, देवता रक्षन्ति। तो देवता रक्षन्ति यानी जो भी लोग मैत्री भावना करते हैं तो देवता उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। अगर किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स अगर हमारे जिंदगी में उत्पन्न हो रहे हैं, या किसी भी ध्यान में अगर हमारी बाधाएं कुछ उत्पन्न हो रही हैं, हर समय जो साधना करते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग मैत्री करते हैं, तो देवता हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। जो जो लोग धर्म का पालन करते हैं, तो देवताओं की ये जिम्मेदारी है कि वो उनकी रक्षा करें। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले भंते न्याम श्री ने एक आशीर्वाद गाथा बोली थी, उसमें भी आदरणीय भंते ने कहा था कि जिस समय भगवान बुद्ध ने देवताओं को धर्म सिखाया, तो उस समय भगवान बुद्ध ने देवताओं से एक वचन लिया था कि जब तक बुद्ध शासन है, आप बुद्ध शासन की रक्षा करोगे। तो देवताओं की जिम्मेदारी है कि जो जो लोग बुद्ध शासन में धर्म का पालन करते हैं, ध्यान के मार्ग पे आरूढ़ होते हैं, तो देवताओं की जिम्मेदारी है कि वो वहां आके हमारी रक्षा करें, हमें रक्षा प्रदान करें, हमें सुरक्षित रखें। हर कठिनाई कठिन कठिन परिस्थिति में देवता जो है वो धर्म पालन करने वाले लोगों की रक्षा करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह बुद्ध धर्म संघ में सुरक्षित रहे, हम हमारे घर में सुरक्षित रहे, हम बाहर सुरक्षित रहे, हम हमारे काम पे सुरक्षित रहे, तो हमें ये मैत्री भावना करनी चाहिए। जिस तरह से आज आज के सेशन में हमने देवताओं के लिए मैत्री दी, तो जैसे जैसे हम देवताओं के लिए मैत्री देते हैं, तो देवता भी बहुत प्रसन्न चित्त से उस मैत्री का स्वीकार करते हैं, हमारे पास आके मैत्री का स्वीकार करते हैं, और हमारे हमें पूरी तरह से रक्षा प्रदान करते हैं। ये मेत्ता ध्यान करने का एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है, जो लाभ हमें इस दुनिया में कहीं से नहीं मिल सकता है। तो ये देवता देवता देवतानं रक्षन्ति, देवता हमारे हमेशा रक्षा करते हैं। सातवां जो लाभ है वो है नस्सग्निवा विसंगवा सतंगवा रक्षमति, यानी कि अग्नि विष शस्त्र हमें मार नहीं सकते। हम देखते हैं कि इतने सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं कि कभी कभी बहुत आग लग जाती है, उससे बहुत सारे मनुष्य जीव जो है वो मर जाते हैं, तो कभी बहुत पीड़ा से गुजरते हैं, उन शारीरिक विकलांग उनको एक्सीडेंट के कारण आ जाता है, अपघात के कारण आ जाता है। तो जो लोग मैत्री भावना करते हैं तो वो कभी भी ऐसे एक्सीडेंट में नहीं फंसते। अगर मान भी लो कि उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो भी गया, तो उसमें से वो सुरक्षित बाहर निकलते हैं, और उनके आजू बाजू रहने वाले सारे लोग भी उससे सुरक्षित बाहर निकलते हैं। हम देखते हैं कभी कभी अभी की रिसेंट न्यूज हमने देखी है कि अस्पताल में कितनी सारी आग लग जाती है, उतने उसमें कितने सारे जीव मर जाते हैं। तो अगर हम मैत्री भावना करें, तो इस प्रकार की स्थिति हमारे जीवन में कभी नहीं आती। अग्नि हमें ऐसा अग्नि हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, अग्नि से हमें कोई धोखा उत्पन्न नहीं हो सकता अगर हम मैत्री करें। तो विष हमें कभी बाधा नहीं कर सकते। मान लो कि हमारे खाने में अगर किसी ने पॉइजन भी डाल दिया हो, अगर हम मैत्री करें, तो वो जो पॉइजन है वो हमारे शरीर पे मरने की स्थिति उत्पन्न नहीं करेगा, उसमें से भी हम बहुत ही आसानी से बाहर निकल सकते हैं। हम देखते हैं कि बुद्ध शासन काल में भी, इवन बुद्ध के खाने में भी लोगों ने जहर मिला दिया था,
तो लेकिन बुद्ध बुद्ध पर उस जहर का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि बुद्ध के चित्त में तो हर जीव के लिए मैत्री है। अगर मान लीजिए कि उन्हें किसी ने विष भी दे दिया हो, तो उनके लिए भी बुद्ध के चित्त में सिर्फ मैत्री थी, करुणा थी, अनुकंपा थी। इसके कारण कोई भी विष, कोई भी अग्नि, कोई भी शस्त्र उन पे हावी नहीं हो सकता था। तो तो ये लाभ तो हमारे लिए भी है, अगर हम मैत्री भावना करें और कंटिन्यू हमारे चित्त में सारे जीवों के लिए मैत्री हो, तो कोई भी जो भी कोई जीव से भी हमें विष बाधा नहीं हो सकती, या कोई शस्त्र जो है हम पे हावी नहीं हो सकता, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये सातवां लाभ है मैत्री भावना करने का, नस्सन अग्गीवा विसंगवा सतंगवा खमति। और आठवां लाभ है मैत्री भावना करने से, तुवतं चित्तं समाधियाति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है मैत्री भावना का, कि हम देखते हैं कि कोई कोई लोग, अभी ये अपना 11वां सेशन है, तो 11th मंथ से बहुत लोग साधना करने के लिए बहुत ही प्रयास कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई कोई लोग की साधना जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती, ना ही वो आनापान सती में सक्सेस होते हैं, ना मैत्री भावना करने से वो सक्सेस होते हैं, ना वो अशुभ करके देख रहे हैं उनमें भी उनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर हमारे चित्त में मैत्री की कमी है, हमारे चित्त में राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, तो ये चित्त में ये गुण रहने से हम कोई भी साधना में सफल नहीं हो सकते आसानी से। तो जब आनापाना करे तो उसमें बहुत सारे विचार आते हैं, मैत्री करे तो फिर बहुत क्रोध उत्पन्न होता है, अशुभ करे तो हमें ईर्ष्या उत्पन्न होती है, उनको कसी ने मेडिटेशन दो, कसी ने ध्यान करने के लिए बोलो, तो कसीना में भी वो डेवलप नहीं हो पाते, ना ही उनको धातु ध्यान दो तो वो धातु को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, वो अनिच्च दुख अनत्त को रियलाइज नहीं कर पाते, धम्म के लिए उनके चित्त में श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो पाती। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हार्ट जो है वो पूरी तरह से अकुशल विचारों से फिलअप है, भरा हुआ है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मोह है। तो जब तक ये नहीं निकलेगा, तब तक हार्ट ध्यान के लिए ओपन नहीं हो सकता, क्योंकि समाधि से हमारा चित्त जो है वो शुद्ध होते जाता है, समाधि से हमें सुख की प्राप्ति होती है। और जब चित्त में ऐसे दुर्गुण रहते हैं तो हम हमेशा दुख जो है हमारा इंतजार करता है, हम कहीं भी रहे, कौन से भी जगह रहे, किसी के भी साथ रहे, तो हमारे हमारे लिए दुख ही इस प्रकृति में उत्पन्न होता है। अगर हम चाहे कि इस प्रकृति में हमारे लिए सुख उत्पन्न हो और हम सुखी हो जाए, तो इसीलिए मैत्री भावना बहुत जरूरी है। तो जब हम मैत्री करेंगे तो सबसे पहले हम खुद के लिए मैत्ता करते हैं कि हम शांत हो जाए, हम सुखी हो जाए, हमारे चित्त से सब राग नष्ट हो जाए, हमें आरोग्य मिले मानसिक और शारीरिक। जब भी आप बोलते हैं कि हमें आरोग्य प्राप्त हो, तो उस समय दोनों चीजों के लिए सोचना है, कि आरोग्य यानी कि ऐसा ही नहीं कि हम शरीर से स्वस्थ रहे, आरोग्य का मतलब ये भी है कि हम मन से भी स्वस्थ रहे। मान लीजिए कि हम किसी भी प्रकार की बीमारियों से त्रस्त नहीं है, शारीरिक हम बहुत शरीर से स्वस्थ हैं, लेकिन अगर मन में हमारे द्वेष है, ईर्ष्या है, मोह है, अटैचमेंट है, आसक्ति है, तो ये मानसिक रोग हुआ। तो शरीर का रोग हम बहुत सहजता से हम मुक्त हो सकते हैं शरीर के रोगों से, लेकिन मानसिक रोगों से मुक्त होने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। तो जब हम मेता करते हैं तो हम मानसिक रोगों से भी मुक्त होते हैं। तो जिस समय आप बोले कि हम रोग से मुक्त हो जाए, हमें आरोग्य प्राप्त हो, तो आग बंद करके जब हम इस लाइन को बोलते हैं, तो देखना है कि हार्ट से जो जो रोग है, हमारे चित्त में जो रोग है, हम उसको भी धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से मैत्री करोगे, तो कोई भी ध्यान करो आप, उसमें आप सहजता से प्रगति कर पाओगे, सफलता को हासिल कर पाओगे। तो हम देखते हैं कि कोई कोई साधक बहुत नए हैं, इससे पहले उन्होंने कभी ध्यान नहीं किया था, लेकिन 1 महीने के अंदर ही या 7-8 दिन के अंदर ही उनको निमित्त आ रहा है, कोई झाना अटेंड कर रहा है, कोई झाना में बहुत अच्छी तरह से खुद को डेवलप कर रहा है, आगे जा रहा है। तो ये एक इसका प्रभाव है कि
चित्त में मैत्री होने के कारण, चित्त में मेत्ता होने के कारण हम ध्यान में बहुत अच्छी तरह से कोई भी ध्यान करें हम सफल हो जाते हैं। तो ये आठवां लाभ है, आठवीं उपलब्धि है मेत्ता करने से, कि तुवतम चित्तम समाधियाति। उसके बाद है मुखवन्नम विपस्सिदति। मुखवन्नो विपस्सिदति यानी नौवां लाभ है मैत्री करने से, कि चेहरे पर एक तेज आता है, हमें सुंदरता प्राप्त होती है। तो हमारे चित्त में अगर राग है, द्वेष है, औरों के प्रति मैत्री नहीं है, तो हमारे चेहरे चेहरा जो है वो आनंददायी नहीं होता, उसमें एक क्रूरता आती है, एक सुंदरता नहीं रहती है, एक विद्रूपता हमारे चेहरे पे आती है। चाहे हम कितने भी सुंदर हो, लेकिन चेहरे के भाव जो है वो बहुत खराब हो जाते हैं, तो लोगों को भी वो पसंद नहीं आते, हम खुद के लिए खुद को सुंदर नहीं दिखते, लोगों में जाने से हमारा जो है वो अच्छा सा अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये क्यों होता है कि अगर मन में द्वेष है लोगों के लिए, मैत्री नहीं है, तो जो जो लोग मैत्री भावना करते हैं, तो उनके आवाज में, उनके चेहरे में एक सुंदरता आती है, एक तेज आता है। तो ये मैत्री भावना का लाभ है कि हमें हमारे चेहरे पे सुंदरता आती है। दसवां जो लाभ है मैत्री का, वो है बिना घबराहट के हमें मृत्यु आती है। अस्समूलं कालं करोति। अस्समूलं कालं करोति यानी कि हम जब हमारा जब मृत्यु का समय आता है, तो हम हमारे चित्त को बहुत ही शांत रख सकते हैं। जनरली जब भी मृत्यु आता है, तो सारे लोग जो है वो मृत्यु का डर उनके मन में है, हम सभी मरने से डरते हैं, एक अलग सा भय हमारे चित्त में होता है मृत्यु के प्रति। लेकिन जो इंसान साधना करता है, जो इंसान मैत्री साधना करता है, उनके चित्त से मैत्री का डर पूरी तरह से निकल जाता है। और मैत्री का डर निकल जाने के कारण वो मृत्यु को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, वो जानता है कि ये सच्चाई है। और जो भी इंसान जन्म लेता है, उसका मृत्यु होता है, इस सच्चाई को वो पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। और इसके कारण जब भी मृत्यु आता है, वो खुद के चित्त को शांत रखता है और मृत्यु को एक्सेप्ट करता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेत्ता करने की, क्योंकि खास करके मान लीजिए इंसान पूरे जिंदगी भर बहुत सारे कुशल कर्म भी उसने किए हैं, लेकिन अगर मृत्यु के समय वो थोड़ा सा भी चिंतित है या भयभीत है, तो भय एक दुर्गुण है, भय एक डर एक दुर्गुण है। और इस दुर्गुण में अगर हमारी मृत्यु हो जाए, तो हम सुगति को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते, चाहे हम शील को धारण करें या कुछ दान करें। फिर भी अगर हम मृत्यु के समय अगर हम हमारे चित्त को शांत नहीं रख पाए, तो हम निश्चित ही दुगति को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हमारे मृत्यु का क्षण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है जिंदगी का, कि अगर हम मृत्यु के क्षण में अगर खुद के चित्त को संयमित शांत रख पाए, और हम बुद्ध धम्म संघ के प्रति सोचें, क्या हमने जिंदगी भर जितने भी कुशल कर्म किए हैं उसके बारे में सोचे, तो हमारी सुगति निश्चित है, हम कभी भी दुगति में नहीं जा सकते। तो इसलिए मन में मेत्ता बहुत जरूरी है, मेत्ता ध्यान जरूरी है। मेत्ता ध्यान करने से मन से मृत्यु का डर निकल जाता है, सारे जीवों के प्रति हमारे चित्त में मैत्री रहने से मन में राग द्वेष आसक्ति उत्पन्न नहीं होती, और वो इंसान मृत्यु को बहुत आसानी से एक्सेप्ट करता है। 11वां जो लाभ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है मेत्ता का, कि उसका है कि उत्तरिं अपटि पिस्सतो ब्रह्मलोको पग्गं होति। उत्तरिं अपटि पिस्सतो ब्रह्मलोको पग्गं होति यानी कि मरने के बाद उसको निश्चित ही ब्रह्मलोक में जन्म मिलता है। मान लीजिए कि अगर कोई इंसान श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी अरहंत फल को प्राप्त नहीं हुआ है, उसने खुद के चित्त को इस संसार से मुक्त नहीं किया है, तो उसकी सुगति निश्चित हो जाती है। मरने के बाद वो 100% ब्रह्मलोक में जन्म लेता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि मेत्ता एक ब्रह्म विहार है। ब्रह्म विहार कहा है बुद्ध ने मैत्री भावना को, मेत्ता मुदिता करुणा और उपेक्षा, इसे ब्रह्म विहार कहा जाता है। तो जब इसे ब्रह्म विहार ही क्यों कहा जाता है,
क्योंकि मैत्री भावना करने वाले लोग ब्रह्मलोक में जन्म लेते हैं, सुगति में जन्म लेते हैं, उनकी सुगति निश्चित हो जाती है। ये 11 जो है वो महत्वपूर्ण लाभ हमें मैत्री भावना करने से मिलते हैं। इसलिए अभी हम लोग जो मैत्री भावना सीख रहे हैं उसको हमने डेली लाइफ में दिन भर करना चाहिए, रात में सोते समय करना चाहिए, उठने के बाद करने चाहिए। हम जनरल मित्ता भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप सुबह उठ गए तो उठने के बाद आंखें बंद करके सबसे पहले बुद्ध धम्म संघ को शरण जाना है कि हम बहुत ऋणी है बुद्ध धम्म संघ के कि आज हमें और एक दिन जिंदगी जीने के लिए मिला है ना। क्योंकि हम देखते हैं कभी उठते हैं तो उठने से पहले इतने सारे कभी कभी फोन मैसेज आ जाते हैं कि किसी की डेथ हो गई, तो उन लोगों को तो वो दिन प्राप्त नहीं हो सकता। तो हमें अगर एक एक दिन मिलता है तो ये हमारे पुण्य बल के कारण हम यहाँ जिंदा हैं। जिस दिन इंसान के पुण्य खत्म हो जाते हैं तो उस दिन वो जिंदा नहीं रह पाता, चाहे वो कुछ भी कर ले, अपनी सारी जायदाद दे दे, लेकिन वो एक दिन भी इस प्रकृति से हासिल नहीं कर सकता। तो हमारा एक एक दिन हमारे पुण्य का फल है, तो हम हर दिन इस प्रकृति से हमें आशीर्वाद, हमें ये करुणी रहना चाहिए, उनको एक थैंक्स बोलना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि आज भी हमें एक दिन जिंदा रहने के लिए मिला है, और आज के दिन भी मैं पूरी तरह से इस सृष्टि के लिए हमारे चित्त में हम मैत्री को उत्पन्न करेंगे, सारे जीव सुखी हो, जो जो लोग दुखी है वो सारे लोग दुख से मुक्त हो जाए, सारे लोग जो कष्ट में है, रोग से ग्रस्त है, त्रस्त है, तो वो रोग से मुक्त हो जाए, सबको निर्वाण का मार्ग मिले, उनको निर्वाण प्राप्त हो। इस तरह से हम जनरल मेत्ता कर सकते हैं। मेत्ता करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप आंखें बंद करके 2-3 घंटे तक बैठ जाए, तो हम चलते फिरते, ट्रैवलिंग करते, कुछ काम करते भी हम जनरल मेत्ता कर सकते हैं। जैसे कि आप बस से, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो हम देखते हैं हमारे आजू बाजू इतने सारे दुखी लोग होते हैं, पीड़ित लोग होते हैं, और कोई पीड़ित न होने से भी सुखी होने से भी दुखी है क्योंकि उसके पास धम्म नहीं होता। तो इन सारे जीवों को हमारे मैत्री की जरूरत है। तो जब भी आप ट्रैवल करें तो उस समय आप अपने सामने रहने वाले सारे जीवों के लिए, हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उनके लिए मैत्री दें कि सारे जीव सुखी हों, सारे जीव दुख से मुक्त हो जाएं, सारे जीवों के चित्त से राग नष्ट हो जाए, उनको आरोग्य मिले, उनको निर्वाण प्राप्त हो। इस तरह से जनरल मेत्ता हम कर सकते हैं, चाहे हम किसी को जाने या न जाने। एक ककचो पमावादम सूत्र है, तो उसमें बुद्ध कहते हैं कि अगर मेरे शरीर के अगर कोई टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो फिर भी मेरे मन में उसके प्रति मैत्री ही होगी, उसका चित्त मेरे लिए ऐसा शत्रुदायक उसका चित्त है लेकिन मेरा चित्त उसके लिए मैत्रीपूर्ण है। तो अगर कोई मेरे शरीर के टुकड़े भी कर ले मान लीजिए, तो फिर भी मेरे चित्त में उसके प्रति कोई घृणा, कोई राग, कोई द्वेष उत्पन्न नहीं हो सकता। इस तरह से भगवान बुद्ध का चित्त था। तो हम अगर उनके पाथ पे चल रहे हैं, उनके दिए गए मार्ग पे चल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जब शत्रु के लिए मैत्री आती है कि हमें जो शत्रु मानते हैं वो दुख से मुक्त हो जाए, रोग से मुक्त हो जाए, तो उस समय कोई कोई लोग उस मैत्री को कर नहीं पाते क्योंकि जो जिन लोगों से उनका बैर है, जिन लोगों से उनकी बनती नहीं, या जिनके लिए चित्त में बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ है, या कोई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया है जिंदगी में, तो उनको मैत्री देते समय हमारा चित्त स्टेबल नहीं रहता है, हम उनको अच्छे से मैत्री नहीं दे पाते। तो हमें ये उदाहरण ध्यान में रखना चाहिए कि अगर बुद्ध खुद कहते हैं कि कोई हमारे शरीर के चाहे टुकड़े भी कर ले फिर भी उसके लिए मेरे चित्त में मैत्री होगी, तो ऐसा तो अभी तक किसी ने हमारे साथ किया नहीं है। उसने कुछ भी किया हो लेकिन उसने तो हमारे शरीर के टुकड़े तो नहीं किए हैं, तो वो भी तो एक दुखी प्राणी है, लोभ से घिरा हुआ एक व्यक्ति है, दोष में घिरा हुआ पड़ा हुआ एक व्यक्ति है, इसी कारण उसने हमारे साथ कुछ अकुशल किया है, तो उसको हमारे क्रोध की, हमारे ईर्ष्या की जरूरत नहीं है, तो उसे हमारे मैत्री की जरूरत है। जिस तरह से कोई एक रोगी इंसान जब हॉस्पिटलाइज होता है, एडमिट होता है, तो बहुत रोग से वो त्रस्त होता है, तो वो उस रोग को हमारे द्वेष की, हमारे ईर्ष्या की जरूरत नहीं है, तो उस रोग को डॉक्टर के मैत्री की, मेडिसिन की जरूरत होती है ना। तो डॉक्टर लोग जो है उसको बहुत ही
काइंडफुली उसको ट्रीट करते हैं, उसको दवाइयाँ खिलाते हैं और उस रोग से उसको उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब एक साधक होता है वो एक डॉक्टर की तरह होता है, उसके आजू बाजू जो है जो ध्यान नहीं करते, जो धम्म के मार्ग पे नहीं है, तो वो सारे रोगी हैं। क्योंकि हर एक चित्त में कुछ ना कुछ रोग है, कोई राग में है, कोई द्वेष में है, कोई क्रोध में है, कोई ईर्ष्या में है, कोई आसक्ति में है, तो ये सारे रोग है, मानसिक रोग है, तो उनको हमारे मैत्री की जरूरत है। तो इस तरह से हमारे चित्त में हमने सारे जीवों के लिए मैत्री और करुणा उत्पन्न करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा एक ब्रह्म विहार कंप्लीट होगा। ब्रह्म विहार हमारी एक पारमिता कंप्लीट होगी, मैत्री पारमी कंप्लीट होगी, और इससे हम हमें बहुत चांस है कि हम इसी जन्म में कुछ ना कुछ फल को प्राप्त करें, मग और फल को प्राप्त करें। और अगर हम मान लीजिए कि किसी मग और फल को प्राप्त ना भी हुए, तो हम निश्चित ही सुगति में जन्म लेंगे, जहाँ हम अच्छे कर्म करके फिर से मनुष्य लोक में आ सकते हैं, या फिर हम हमारी साधना को बढ़ा के हम वहाँ भी निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से मैत्री साधना के लाभ हैं। हम आशा करते हैं कि इस लाभ को सुन के आपके चित्त में भी एक सुख और प्रीति उत्पन्न हुई होगी, और आप भी आज से इसी तरह से मैत्री करोगे, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे आपके साथ कोई कितना भी बुरा व्यवहार क्यों ना करे, तो आप एक बुद्ध का अनुयायी बन के, एक बुद्ध पुत्र बुद्ध पुत्री बन के आप हमेशा अपने चित्त को मैत्री के लिए खुला रखोगे, अपने चित्त में किसी भी अकुशल विचारों को जगह नहीं दोगे, किसी भी द्वेष को आप निर्माण नहीं होने दोगे। हमारा एम रहना चाहिए कि इस जन्म में हम अरहंत के मार्ग पे चलें। हम ना भी अरहंत हुए तो कम से कम हमें सुगति का लाभ मिले। तो इस तरह से आज की ये धम्मदेशना हम यहाँ समाप्त करते हैं। साधु साधु साधु। अगर आप में से किसी को अपनी साधना के लिए या आज की जो धम्मदेशना हुई है इसके बारे में कोई सवाल है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। खुद को अनम्यूट करके आप सवाल कीजिए।